ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने इतिहास रचा, टेस्ट के बाद वनडे सीरीज भी जीती। मेलबर्न वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया। लद्दाख में बर्फ के नीचे दबे 10 में से 4 लोगों के शव बरामद, 6 के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ममता बनर्जी की अगुवाई में कल कोलकाता में विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर कहा, पूरा विपक्ष एकजुट है। आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। गोपाल राय ने गठबंधन नहीं होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। आलोक वर्मा के बाद राकेश अस्थाना की भी सीबीआई से छुट्टी, 3 और अफसर हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से सबरीमाला मंदिर जाने वाली दोनों महिलाओं को सुरक्षा देने को कहा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। 31 जजों की संख्या वाले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 28 हुई। और रिलायंस 10,000 करोड़ से ज्यादा तिमाही मुनाफे वाली देश की पहली निजी कंपनी बनी। रिलायंस जियो का मुनाफा 65% बढ़ा।